हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपके साथ पोहे की खीर की रेसिपी शेयर कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं बनाना। सबसे पहले हमने पैन चढ़ा दिया है। पैन को थोड़ा सा गर्म हो जाने देंगे। पैन गर्म हो गया है, इसमें डाल देंगे एक चम्मच देसी घी। फ्लेम मीडियम रखेंगे। घी हल्का सा गर्म हो गया है, इसी में डाल देंगे हम ये इलायची पाउडर। कुटी हुई इलायची ली है हमने आधा चम्मच। ये मखाने इसी में डालकर भूनेंगे। किशमिश भी भून लेंगे, फ्लेम मीडियम ही रखेंगे। साथ में ये पोहा भी इसी में भून लेंगे। तो हमने अच्छे से भून लिया है। दूध हमने बॉयल करके रखा था पहले से, ये दूध इसी में डाल देंगे। साथ में ये चीनी डाल देंगे। चीनी हमने दो चम्मच ली है। ड्राई फ्रूट्स आप अपने मनपसंद ले सकते हैं। अच्छे से बॉयल आ जाने तक पका लेंगे। बॉयल आ गया है, अभी कुछ देर तक और पकाएंगे। बीच बीच में ऐसे चलाते रहेंगे इसको। इसी में ये हम कसी हुई गरी डाल देंगे। अच्छे से चला देंगे। पोहे की खीर ये देखिए बनकर बिल्कुल तैयार है। देखिए ये बहुत ही झटपट बनने वाली रेसिपी है। गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको हम बाउल में निकाल लेंगे। ये देखिए बनकर बिल्कुल तैयार है। ये देखिए बनकर बिल्कुल तैयार है। इस तरह से एक बार ट्राई ज़रूर करें। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन पर भी प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।